नमस्कार, द्विवेदी जी की किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज से एक नई रेसिपी और इसके साथ और भी सब्जियां हम मिलाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 4-5 प्याज लिया है, जिसे आधा आधा भाग में कट कर लिया है। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हों, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि जितना भी हम वीडियो डालते हैं आप तक आसानी से पहुंच जाए। यहाँ देखिए, प्याज को हमने बिल्कुल हाई फ्लेम पे है। प्याज हम बस इसे अलग अलग छिलका को निकालना है। देखिए, ये छिलका जो है ना, जितना ही आप चलाते जाएंगे उतना ही छिलका अलग अलग निकल जाएगा। इस तरह से रेसिपी शायद ही आपको YouTube पर मिलेगी। बहुत बढ़िया रेसिपी है ये, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। लेकिन पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा कि इस तरह से आप अभी तक सब्जी बनाए हैं कि नहीं। अगर बनाए हो तो मुझे बताएं, ना बनाए हो तो भी मुझे कमेंट में बताएं कि इस तरह से बना के सब्जी आपको कैसा लगा। बहुत मेहनत से हम इस सब्जी को बना रहे हैं और बिल्कुल नई रेसिपी है। तो चलिए, आप देख सकते हैं सारा छिलका जो है इसका उतर गया है। देखिए, बारी बारी जो है ना, जैसे जैसे तेल मतलब हीट हो रहा है और पलटा से हम चला रहे हैं, तो उसी तरह से जो है अपना छिलका छोड़ते जा रहा है। देखिए आप, अब चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं और निकाल के अच्छी तरह से जो है इसे दबा के इसका पूरा तेल नहीं छोड़ते हैं। इसे पूरी अच्छी तरह से हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा, यानी कि जब तक आपका प्याज का छिलका अलग अलग ना हो जाए तब तक आप फ्राई करते रहें। अब देखिए किस तरह से है, ये देख सकते हैं आप। चलिए एक साइड करते हैं। अब आगे, अभी हम देखिए यहाँ पे हमने लिया है ये मशरूम है, आप देख सकते हैं, और इसे जो है हमने तल लिया है। ज़्यादा ना तलें, इतना तलें मतलब अगर 100% है तो आपको 50% तल देना है, यानी 50% आप इन्हें तल लें तो सब्ज़ी आपकी बहुत बढ़िया होगी। लेकिन बिल्कुल अलग है तरीका, बिल्कुल भी अलग है, और मैंने बनाया बहुत बढ़िया लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इस रेसिपी का डाल दें, ताकि आप लोग भी देखें। अब चलिए, अब यहाँ पर हमने पनीर लिया है, तो पनीर हमने लिया है 300 ग्राम पनीर है। अब इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई किया है, बिना कुछ डाले ही फ्राई किया है। देखिए, अच्छी तरह फ्राई कर दें, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें आप। जितना ही अच्छी फ्राई हो जाएगी उतना ही अच्छा जो है इस रेसिपी का मज़ा आएगा खाने में। चलिए, अब यहाँ पे हमने मटर भी फ्राई कर लिया है। मटर भी हमने फ्राई कर लिया है। तो चलिए, ये सारा चीज़ अब फ्राई हो गया है। तो मसाला देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। मसाला बेहद ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया है गरम मसाला, ऑरेस्ट का गरम मसाला है। अगर आप चाहें तो कोई भी गरम मसाला ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने लाल मिर्चा पाउडर डाला है। इसके बाद यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चा 1 चम्मच हमने डाला है। उसके बाद यहाँ पे जीरा पाउडर है 1/2 चम्मच, ये मतलब भुना हुआ नहीं है, सादा जीरा पाउडर है। हल्दी हमने डाला है 1/2 चम्मच, और इन सब को हमें क्या करना है, पानी में भिगो देना है अच्छी तरह से।
आइए अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल बचा हुआ था, तेज पत्ता है, 2-3 मरीच है काली, 2 लौंग है, थोड़ा सा जीरा है, 1 इलायची है जिसे हमने तोड़ के डाल दिया। और यहाँ पे अब हम क्या किए हैं, लहसुन मिर्चा अदरक और 3 प्याज का, बड़े साइज प्याज का पेस्ट हमने बना लिया है। अब देखिए भूनते वक्त हमने इतना भूना है कि देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं। भूनना बहुत ज़रूरी है, इस रेसिपी का खास चीज़ है कि इसका ये जो मसाला है प्याज लहसुन का, तो इसे थोड़ा सा आप डार्क भूने, यानी कि बिल्कुल भी ब्राउन हो जाए। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं सारा मसाला, उसी के साथ हम डाल देते हैं 2 बारीक कटा हुआ टमाटर है, 2 एक बार ज़रूर आप बनाएं और उसके बाद मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो थोड़ा सा पानी और डालते हैं, इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डालते हैं और इन्हें धीमी आंच पर हम भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा भुना गया, तेल छोड़ दिया है, तो इसमें हम डाले हैं 3 चम्मच के लमसम घर की फ्रेश मलाई है, तो ये डालने से जो है सब्जी में जान आ जाती है, तो इसलिए हमने इसे डाला है। इसे हमने खुद ट्राई करके बनाया है, किसी का हमने देखा नहीं है ये सब्जी जो बना रहे हैं, अपने आप हमने इसे ट्राई किया और खाने में बहुत अच्छा लगा। काफ़ी घर वाले खुश हुए कि बहुत बढ़िया आज की सब्जी हुई है। तो हमने ये रेसिपी जो है आपको डाल दिया कि आप लोग भी बनाएं और फैमिली को खिलाएं, आने जाने वाले लोगों को भी खिलाएं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार पानी डालेंगे, यानी कि अगर थोड़ा सा आप गाढ़ा खाना चाहते हो तो थोड़ा कम पानी डालें, थोड़ा ज़्यादा अगर पतला खाना चाहते हो ग्रेवी तो इसमें पानी थोड़ा सा और डाल दें। तो यहाँ पर मैं मीडियम ग्रेवी लगाऊंगी, ना गाढ़ा ना पतला। तो चलिए अब इन्हें हम पकाते हैं 10 मिनट के लिए, 1 घंटे से ज़्यादा कि ये जो है बनाने में मुझे लगा है और बड़ी मेहनत से ये सब्ज़ी बनी है। इसे जो है लाइक कमेंट भरपूर करिएगा।